कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर तारे यशोदा नंदन Yashodhana Nandana Braja Jana Ranjana
भीष्म देव की शिक्षाएं इनके सीरीज के ऊपर
ये विशेष भीष्म पंचक के अवसर पर इस श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं आज से। वैसे हम मंगलवार के दिन एक इंट्रोडक्टरी टॉक लिया था, एक प्रास्ताविक भाष्य हमने लिया था जिसमें भीष्मदेव की जीवनी के बारे में हमने चर्चा की और कैसे उनका जीवन ही एक राज परिवार से होते हुए भी एक तपस्वी जीवन है उनका और एक आदर्शवत जीवन है जिसके द्वारा, और आदर्श के साथ साथ एक महाजन है, वैष्णव है, एक महान आचार्य के रूप में हमको शिक्षा भी प्रदान करते हैं अपने जीवनी से। तो बहुत कठिन और तपस्या का जीवन उन्होंने जिया जीवन में भी और अंत में भी जीवन के उनके तपस्या उनको बहुत ही लाश के अंत श्वास तक उनकी तपस्या बनी रही, बहुत ही खड़तर बहुत ही कठिन उनका अंतिम प्रयाण हुआ शरीर छोड़ने का जो अवसर था। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे मंगलवार के दिन की 10 दिन तक, 10वें दिन युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह वो रथ से गिर गए अर्जुन के बाणों द्वारा और इतने बाण मारे थे अर्जुन के शरीर, भीष्म पितामह के शरीर को, कि एक उंगली रखने के लिए जगह नहीं थी, दो बाणों के बीच में एक उंगली नहीं जा सकती थी, इतने बाण थे, मतलब शरीर पूरा छन्नी कर दिया था शरीर को। तो ऑफ कोर्स शरीर में कोई रक्त प्रवाह नहीं होगा और शारीरिक जो प्राण को शरीर में बनाए रखने के लिए जो चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज, सारा सर्कुलेशन कंप्लीटली बंद था और ऐसे अवस्था में उनके शरीर में प्राण कैसे बनाए रहे, कैसे टिके रहे, और इसका कारण यह है कि उनको वरदान था उनके पिता का, क्योंकि पिता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था, इसलिए शंतनु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें इच्छा मरण प्राप्त होगा, जब भी तुम शरीर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, जब तक रखना चाहते हो शरीर में बनाए रख सकते हो। और ये सिद्धि बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती, अगर ये सिद्धि कलयुग में प्राप्त हो भी गई तो उसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कभी हमारे यहाँ पर इतने द्वंद्व हुआ करते हैं कि एक क्षण में ऐसा लगता है कि ये जिंदगी पूरा बकास है, कोई मतलब नहीं जिंदगी का, जीवन हमारा व्यर्थ है, और उस समय अगर हमारे पास ये सिद्धि होती तो क्या करते हम लोग, ये भगवान मुझे अभी नहीं शरीर में रहना है और शरीर छोड़कर चला गया, और कुछ क्षण के बाद रास्ते में जाते थे उसको पता चली अरे बहुत बड़ा गलती कर दिया, दोबारा आ नहीं सकता शरीर में, और या फिर कोई बहुत भोगी होगा, बहुत ऐश्वर्य संपन्न होगा, शक्ति होगी उसके पास, माइट्स इज राइट्स, बड़ी तो कान पीड़ी, ऐसे अगर भावना में अगर होगा व्यक्ति तो वो शरीर से निकलना ही नहीं चाहेगा, इतना भोग करेगा और इतना शरीर जर्जर होने के बाद। तो कलयुग में ऐसी सिद्धि एक अभिशाप बन सकती है, जैसे मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद मिला था कि वो 7 कल्प तक जीवित रहेंगे, बड़ा आनंद हुआ कि 7 कल्प, इतनी लंबी आयु, 1 कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, तो ब्रह्मा जी के हर दिन में दिन समाप्त होने के बाद प्रलय होता है, लेकिन इतना समय तक मार्कंडेय ऋषि जीवित रहने के बाद जब प्रलय हुआ तो प्रलय में जब हाबो डुबो भाई भक्तिराज ठाकुर कहते हैं वो नीचे ऊपर लहरों के द्वारा, और लहरे में जो भवरे आते थे उसमें दबाए जाने लगे, ट्विस्ट किए जाने लगे पूरे, बहुत परेशानी होने लगी उनको और वो पश्चाताप कर रहे कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी लंबी आयु का हमने आशीर्वाद क्यों मांगा, क्यों मुझे इतनी बड़ी लंबी आयु मिली, क्योंकि ये बड़ा अभिशाप बन गया उनके लिए जीवन। तो इसलिए एक सही समय सबको दिया है, और इंटरेस्टिंग बात यह है सबके लिए कि किसकी आयु कितनी है वो बताई गई नहीं है, अगर बताई जाती कोई समझो गरीब है स्टेशन पर भीख मांग रहा है और उसको पता चलता कि उसकी आयु है 80 साल, तो बेचारा कितना डिप्रेशन में चला जाएगा वो कि कैसे जीऊंगा मैं 80 साल ऐसे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते मांगते, रोज 80 रुपया मिल रहा है कि वो
उसमें वड़ा पाव नहीं आ रहा है उसको ठीक से। तो और कोई अमीर है, बहुत ऐशो आराम में जीवन जी रहा है, और उसको पता चलेगा, अगर पता चलता उसको कि उसकी जीवन केवल 22 साल का है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि 22 साल में करे क्या। और फिर 22 साल इतने कम साल में अगर उसको जीवन को भोगना है तो वो गलत रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक मिस्ट्री अच्छी है कि पता नहीं है किसी को। तो विष्णु पिता वहां ये अंतिम क्षण में बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, बस केवल गले के ऊपर उनको बाण नहीं मारे गए थे, गर्दन से ऊपर सर पर बाण नहीं थे, बाकी गर्दन से नीचे पूरे शरीर में हाथ पाव उंगलियां नाखून सब जगह बाण मारे गए थे, और बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। बाणों की शैया मतलब बाण घुसे हुए आर पार, और उसके ऊपर व्यक्ति सोया है। तो सोचो ना, सो रहा है व्यक्ति, तो उनके शरीर का भार बाण पे वो डिवाइड हुआ है। सोचिए वो खुद को वेदना कितनी होती होगी, क्योंकि ऊपर से वेट खुद के शरीर का भार से वो दब रहा होगा थोड़ा सा, और बाण अंदर घुसे हुए है, कितनी वेदना हुई होगी सोचिए, हर क्षण कितनी वेदना होती होगी। तो ऐसे अवस्था में लेटे हुए थे, और जब तो उस समय उस दिन जब युद्ध रुका थम गया, सब लोग आके भीष्म पितामह के सामने सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी गर्दन, क्योंकि गर्दन पर बाण नहीं मारा इधर, तो इसलिए इतना भाग केवल, ये भाग केवल बाणों पर ऐसा टाइट है, बाणों पर बैलेंस है, लेकिन गर्दन नीचे झुक रही है, इसलिए तो उनको गर्दन उठाने के लिए कष्ट हो रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे लिए एक गर्दन मेरे संभालने के लिए कुछ व्यवस्था करो। तो दुर्योधन ने तुरंत अपने लोगों को भेज दिया, जाओ जल्दी राज महल में जाओ, और या अपने टेंट में जाओ और पिलो लेकर आओ सबसे बेस्ट, विष्णु पितामह को, पितामह को देना है तो सबसे बेस्ट हो लेकर आओ, मखमल की होनी चाहिए। तो लेकर आए इतनी बड़ी, तो विष्णु पितामह ने बोला, अरे मूर्ख, मैं ऐसे बाण शैया पर यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, और क्षत्र धर्म के अनुसार मैं जख्मी घायल हुआ हूँ, और राज्य में बैटल फील्ड में मैं ऐसे ऐश्वर्य को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। इसलिए विष्णु पितामह ने अर्जुन की तरफ देखा, और अर्जुन ने तुरंत दो बाण मारे ऐसे दो साइड में से क्रॉस, और उनका सर रखने के लिए उनको आसन बना दिया, और उसी के ऊपर वो बड़े खुशी से अपने सर रखा हुआ था। और 18 दिन तक युद्ध चला, युद्ध समाप्त हुआ, और युद्ध समाप्ति के बाद फिर काफी समय चला गया, फिर युधिष्ठिर महाराज ने किया सबका दाह संस्कार किया, तर्पण किया, और उसके बाद फिर उनका फिर अभिषेक भी हुआ, उनका ये नहीं जा रहा था, उनका शोक नहीं जा रहा था। तो व्यासदेव ने उनको किसी प्रकार से उनको बताया कि कैसे ये आपने जो किया वो गलत नहीं है, विधि के नियम के अनुसार ये हुआ था, ये तो होना ही था। व्यासदेव ने उनको समझाया, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप दोषी हो तो आप यज्ञ कर सकते हो अश्वमेध यज्ञ, तो फिर से अश्वमेध यज्ञ किया गया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज शांत नहीं हुए। तो अंत में पर्याय कृष्ण ने सजेस्ट किया कि भीष्म पितामह के पास लेके चलो, और भीष्म पितामह इनको मार्गदर्शन करेंगे। और फिर दूसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। तो भीष्म पितामह के पास आए सब लोग प्रोसेशन में, उनकी एक राजोषितार्थ से सब लोग आए, और भीष्म पितामह के सामने नतमस्तक हो गए। युधिष्ठिर महाराज डर रहे थे भीष्म पितामह के सामने जाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा अपराध, मन में इतनी ग्लानि हो रही थी, गिल्ट फील हो रहा था उनको। तो भीष्म पितामह के सामने जाने पर उन्होंने प्रणाम किया, तो जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को देखा तो बड़े संतुष्ट हुए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। और फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि हे पिताश्री,
हे पितामह, आप अर्जुन के कोई प्रश्नों का उत्तर दो। अर्जुन सॉरी युधिष्ठिर महाराज के सांत्वना करो। वो बहुत दुखी थे, उसको लगता है कि उसके वजह से ये सारा युद्ध हुआ है, इसलिए अपने आप को दोषी मान रहा है। और उनको आप ज्ञान सुनाओ। तो सबसे पहले यह कहने के पहले कृष्ण विष्णु पितामह को स्तुति करते हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, राजनीति को जानने वाला व्यक्ति और इतना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जिसके पास विजडम हो, केवल नॉलेज नहीं है लेकिन व्यवहारिक नॉलेज है, ज्ञान है जो उन्होंने अनुभव किया है, अनुभव ज्ञान उसको विजडम कहते हैं। तो आपके जाने से ये ज्ञान भी आपके साथ साथ चला जाएगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान को इस आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रकट करो। तो विष्णु पितामह ने जैसे सुना, विष्णु पितामह कहे कि भगवान आप सा वेदों के ज्ञाता है, आप साक्षात भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वेद पर्सनिफाइड व्यक्तित्व स्वरूप आप है, आपके सामने बोलने की मेरी क्या हिम्मत है, मेरी क्या योग्यता है, और वैसे भी मेरे शरीर को इतना कष्ट हो रहा है इस बाण के कारण कि मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, बुद्धि मेरी साथ नहीं दे रही है और ना ही वो कोई रिकलेक्ट कर पा रही है कोई ज्ञान को, और मेरी स्मृति नष्ट होती जा रही है। तो इसलिए ऐसे अवस्था में मैं कैसे बोल पाऊंगा भगवान? एक तो मेरी योग्यता नहीं है क्योंकि मैं इस अवस्था में हूं, और दूसरा आप भले हो कि आप होने के बाद भले आपके सामने मैं क्या बोल सकता हूं। तो इसलिए कृपया करके आप इस ज्ञान को दीजिए और युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को समाधान कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि जिसके द्वारा तुम्हें शारीरिक कोई कष्ट नहीं होगा, कोई वेदना नहीं होगी, तुम्हारा सारा क्षीण चला जाएगा। और भगवान कृष्ण ने उनको ऐसे आशीर्वाद दिया कि भगवान कृष्ण से केवल ग्लांस से, दृष्टिक्षेप से भगवान के युधिष्ठिर विश्व पितामह के शरीर का सारा दर्द चला गया। तो दर्द जाने का एक कारण एक होता है, दो कारण होते हैं, एक तो पूरी तरह से जख्म भर गई है, ये जख्म चली गई है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि एनेस्थिया दिया हो, भूल दी हो, तो जख्म दर्द भी पता चलता है कि नहीं। भगवान कृष्ण ने कोई ऐसे है, उनको भूल नहीं दी थी, एनेस्थिया नहीं किया था, तो भगवान कृष्ण के कृपा से उनके शरीर के घाव भी भरने लगे और पूरी तरह से वो दुख मुक्त हो गए, वेदना शमन हो गई पूरी, तो बहुत अच्छे से महसूस करने लगे। और तो और उनकी पूरी जो मेमोरीज है पुरानी, वो पूरी रिकलेक्ट होने लगी, फिर से वो रीजनरेट होने लगे और वो मन को एकाग्र कर पाए, शांत कर पाए और सारे जो विज्ञान है उनका, उस जो अनुभव किया था वो फिर से उनके मन में ताजा तरोताजा जागृत हुआ और वो कहने लगे विष्णु पितामह कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं इस ज्ञान को फिर से वैसे ही देख पा रहा हूं जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथ में फल हो। हाथ में फल हम कितने आसानी से, कितने अच्छे से देख सकते हैं, उसी प्रकार से मैं देख पा रहा हूं। तो लेकिन फिर भी आपके सामने बोलने कि मैं का मैं धारिष्ठ नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि ये ज्ञान आपको देना है। तो यहां पर भगवान और भक्त इन दोनों की होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे को, एक दूसरे की ग्लोरीज को बढ़ाना, एक दूसरे की श्रेष्ठता को दर्शाना। और प्रभुपाद जी हमेशा ही दोहराते थे कि भगवान कृष्ण की महिमा को प्रचार करो, खुद के महिमा की चिंता न करते हुए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न जन्म न धनम न जन्म, जन को एकत्र मत करो। मतलब क्या? जन को एकत्र करना मतलब प्रेस्टीज, प्रशंसा, फॉलोअर्स, ये सारी चीज। तो भगवान कृष्ण भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं और भक्त भगवान की महिमा बढ़ाना चाहते हैं,
और जब भक्त भगवान की महिमा बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण भक्तों की महिमा और बढ़ा देते हैं, और जब भक्त की महिमा बढ़ती है तो भक्त उस महिमा का, उस प्रेस्टीज का लाभ लेकर भगवान की महिमा बढ़ाते हैं। जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते थे, राधाराम स्वामी महाराज उनके साथ जब थे उनके अंतिम समय में, तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अंतिम क्षण में वो समय वो क्लास देते थे, और उस क्लास में ऐसे बोलते थे जो लोग ऐसे एकाग्रता से उसको सुनते थे और इतना ध्यान पूर्वक उसको ग्रहण करते थे कि कुछ लोग उसमें से मानो ऑलमोस्ट सब लोग क्लास सुनकर ऐसे भाव विभोर होकर आंखों से उनके आंसू आते थे, रोते थे वो लोग। तो महाराज राधा स्वयं महाराज उनको पूछते थे कि महाराज आप कैसे क्लास में क्या ऐसा बोल रहे कि जिसे रोग लोग इतने द्रवित हो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या आप ऐसे क्या बोल रहे। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोले कि मैं कुछ नहीं, मैं वही दोहरा रहा हूँ जो पहले से उनको बताते आ रहा हूँ, लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसी है और प्रभुपाद जी की कृपा से और कृष्ण की कृपा से मैं ऐसे स्टेज पर आके पहुंचा हूं कि लोगों को सीधा उनके हृदय को अफेक्ट कर रहा है, इससे लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो कृष्ण की कृपा से ये सिचुएशन में लाकर रख दिया कि जिसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो भक्त क्या कर रहे हैं, उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कृष्ण की महिमा को और गंभीरता से सुना रहे हैं। तो लोग उसको कृष्ण की गंभीरता को, कृष्ण के महिमा को गंभीरता से ले रहे हैं, और उस गंभीरता के कारण वो भक्त है, वो भक्तों की महिमा को और बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को पूरक है कि भगवान, जैसे प्रभुपाद जी ने कृष्ण की महिमा पूरे विश्व भर में प्रचार की और कृष्ण ने प्रभुपाद जी को पूरे विश्व भर में प्रचारित कर दिया, विश्व में कृष्ण को, प्रभुपाद को फेमस कर दिया एक दूसरे के होड़। तो इस प्रकार से कृष्ण और भगवान एक दूसरे की महिमा बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को बैटल फील्ड पर कुरुक्षेत्र युद्ध में, प्रेशर इस थे उस समय कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं, मार्गदर्शित कर सकते हैं। तो क्या युद्ध समाप्त होने के बाद, सारा टेंशन खत्म होने के बाद, क्या वो युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पाते? समझा सकते थे, कृष्ण ही अंदर बैठे हुए परमात्मा रूप में। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि ये महिमा मेरे भक्त की महिमा बने। और जैसे हम पिछली बार कल हम पॉइंट ले थे युधिष्ठिर महाराज का, कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण या विष्णु पितामह ये भगवान के हाथ की एक कठपुतली के जैसे कार्य कर रहे हैं। कृष्ण की इच्छा थी कि विष्णु पितामह कौरव के साइड से लड़े, विष्णु पितामह कौरव के साइड से लड़े। अभी कृष्ण चाहते हैं कि आप ज्ञान दो, कौन सी स्थिति में, मृत्यु शैया पर, बाण के शैया पर लेटे हुए हैं, और बोलते हैं कि आप ज्ञान दो, प्रवचन दो। और प्रवचन किसको देना है, दो माला करने वाले लोगों को नहीं, या नव सिखिया लोगों को नहीं, नहीं, किसको देना है, साक्षात धर्म को, जो धर्म के ज्ञाता है उनको ज्ञान देना है। ऐसी सिचुएशन में, मृत्यु की अवस्था के सिचुएशन में उनको ज्ञान देना है। सोचिए कितना कठिन कार्य है। तो ऐसी सिचुएशन, प्रभुपाद जी भी लास्ट स्टेज में थे, तो प्रभुपाद जी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे 10वें स्कंध का, और उसको रिकॉर्डिंग अभी भी है, प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग। ऐसे अवस्था में कितनी वेदना होती है, और इनको तो बाण लगे हुए हैं। ऐसे अवस्था में भी व्यक्ति भगवान के ज्ञान को स्मरण कर पा रहा है, ये भगवान की कृपा के बिना असंभव है। अगर भगवान, अगर उस व्यक्ति ने आयुष्य भर अगर भगवान की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, तो अंत में भले ही कितनी जटिल भयानक परिस्थिति क्यों ना हो, वो जंगल में क्यों ना पड़ा हो, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि जैसे वीरान जगह पर क्यों ना पड़ा हुआ हो, भगवान उसके लिए सत्संग क्रिएट करेंगे। और इसलिए इतने सारे ऋषि मुनि वहां पर आ गए, वहां जो पांडव आ गए, साक्षात भगवान वहां पर आ गए, उनको
उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका अंत प्राण छुटे तब तक उस स्थान में वहां पर बने रहने के लिए, तो भगवान की अरेंजमेंट है। तो अगर हम अपने आप को इस प्रकार से सेवा में रत करते हुए भगवान के लिए अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को न्योछावर करते हैं, तो भगवान हमारे लिए वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। भले ही हम भगवान का स्मरण न कर पाए ऐसी अवस्था में, भगवान हमें स्मरण दिलाएंगे अपने आप को। ये भगवान भक्तों के साथ, उनके निजी भक्तों के साथ व्यवहार करते समय हमें बताते हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं या ना चिंता करने की आवश्यकता है कि मरते समय मुझे भगवान का नाम मेरे मुख में आएगा क्या, या फिर कभी कभी कोई भक्त प्राण छोड़ते समय हमको भले ही ना दिखाई दिए हो कि उसके वो अंत में भगवान का नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, कीर्तन चल रहा है लेकिन वो सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, उसके चेहरे पर कोई आपको लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भगवान भले ही वो स्मरण नहीं कर पा रहा हो, भगवान खुद होकर उसके मन में चले जाएंगे और उसको स्मरण दिलाएंगे, उनकी जिह्वा पर जाकर बैठेंगे और कृष्ण नाम कृष्ण बुलवाएंगे। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है और उन्होंने वैष्णव के साथ इस प्रकार व्यवहार किया। अभी हम एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे, कृष्ण की स्तुति, कृष्ण की महिमा भक्त बढ़ाते हैं और कृष्ण भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। अभी कोई व्यक्ति खुद की महिमा बढ़ाने के लिए अगर चल पड़ा है, कृष्ण की महिमा नहीं बढ़ाते हुए, भगवान की महिमा न बढ़ाते हुए खुद की महिमा बढ़ाने के लिए अगर चल रहा है, तो वो खुद की महिमा भी नहीं बढ़ा पाता है, उसकी अधोगति हो जाती है, उसका अप उसके नाम उसका ये नहीं हो पाता है। जैसे अनेकों बड़े बड़े सम्राट होकर गए जो अपना नाम बढ़ाने के लिए उसने क्या 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 नहीं किया, कितने सारे सम्राट, अलेक्जेंडर से लेकर, नेपोलियन से लेकर, खिलजी से लेकर, औरंगजेब से लेकर, कितने कितने बड़े बड़े लोग आकर गए, इन्होंने देश राज्य देश पूरा राष्ट्र पूरा पृथ्वी का सम्राट बनने की कोशिश की, हिरण्यकशिपु से लेकर, हिरण्याक्ष से लेकर, इन्होंने अपना नाम बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, क्या हुआ, उनका नाम मिट्टी में मिल गया। और अभी हम छोटे मोटे जो कि साइंटिस्ट है और बड़े बड़े जो नेता लोग हैं और जो बड़े लोग हैं जिसका अहंकार केवल बड़ा है, वो सृष्टि पर अगर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, सृष्टि पर प्रकृति पर अपना अधिकार प्रस्थापित करने की कोशिश करता है, अपना अपना नाम जमाने की कोशिश की अगर कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ भगवान का, तो क्या होता है, अंत में एक छोटा सा विषाणु आ जाता है और सबको परेशान करके छोड़ देता है। व्यक्ति खुद का नाम तो बढ़ा ही नहीं पाता है, उल्टा उसका अपप्रचार हो जाता है। दूसरी तरफ वो अगर भगवान की महिमा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी खुद की महिमा ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो बेटर वे कि अगर हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और भगवान की महिमा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान हमारी महिमा अपने आप बढ़ा देंगे और यही सबसे बड़ा यश है। तो अभी कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे कि कृपया कर कर आप इस ज्ञान को प्रदान करो। तो कृष्ण जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह को जब कह रहे थे तो नतमस्तक हो गए थे, उनको विनंती कर रहे थे, सबसे पहले आते हुए सबने दंडवत प्रणाम किया भीष्म पितामह को, और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है लेकिन वो आपके सामने आने से डर रहे और उनको ये भी डर है कि शायद आप श्राप दे देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज तो भीष्म पितामह खुद बोलने लगे कि नहीं युधिष्ठिर, आपको तुमको डरने की जरूरत नहीं, ना ही तुम्हें शर्मिंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तुमने जो कार्य किया है वो एक तो होना ही था, ऊपर से तुम्हारा ये कर्तव्य था, और तीसरी बात ये है कि वो जो व्यक्ति युद्ध भूमि में मरे है उनको ऊंची गति प्राप्त हुई, इसलिए कोई उसमें हमारा नुकसान नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है, वो सबको ऊंची गति प्राप्त हुई है,
इसलिए तुमने जो किया वो उचित कार्य किया है। इसलिए बोलो, तुम्हारे कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा धारिष्ठ है और युधिष्ठिर महाराज गए भीष्म पितामह के पास, उनको दंडवत प्रणाम किया। जैसे दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके उठे तो भीष्म पितामह उनको अपने नजदीक लिया। भीष्म पितामह ने उनकी तरफ अपनी नजर डाली, उनको आशीर्वाद दिया और भीष्म पितामह ने कहा कि बैठो मेरे बाजू। युधिष्ठिर महाराज होगा तो युधिष्ठिर महाराज उनके बाजू में बैठे और युधिष्ठिर महाराज उनको प्रश्न पूछे। तो सबसे पहला उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो पहला प्रश्न पूछा था कि एक राजा के उचित कार्य क्या होने चाहिए, नीति पूर्वक कार्य कार्य क्या होना चाहिए, ड्यूटीज ऑफ राइट ऑफ किंग। एक उचित राजा के उचित कार्य क्या होने चाहिए। तो विष्णु पितामह और कुछ शुरू करने से पहले सबसे फर्स्ट क्वालिटी क्या बोलते हैं कि वो राजा, वो व्यक्ति जो राजा बनने जा रहे हैं वो सबसे पहले भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। जब मैंने ये पहली बार बात सुनी थी, कौन सी, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे टॉइस बॉर्न ब्राह्मण इनिशिएटेड होने चाहिए। केवल हरिनाम दीक्षा नहीं, उनकी ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए। और सबसे पहले जब पार्लियामेंट में आएंगे तो क्या करेंगे, मंगल आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे और फिर अपना लेखा जोखा निकाल कर कार्य संपूर्ण चालू करेंगे। मैं सोच रहा था इस टू मच, ऐसा भी क्या, क्या प्रभुपाद भी क्या क्या सोच रहे, मतलब कौन से जमाने में क्या सोच रहे, कैसे पॉसिबल है, क्या कैसे लोग होते उधर। अभी अगर नियम ऐसा बनाए कि कम से कम ना के आएंगे तो बहुत बड़ी बात है, ऑफकोर्स आते होंगे, अच्छे रहेंगे हमारे नेतागण। तो विष्णु पितामह प्रभुपाद जो बता रहे थे वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहे थे कि कुछ भी बोल दिया मन में आया, नहीं, शास्त्र में बता रहे थे। तो विष्णु पितामह बता रहे, रिकमेंड कर रहे कि वो भगवान के भक्त होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसके अंदर सत्य सत्यता होनी चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। क्यों ये होना चाहिए सत्यता, राइट है, ट्रुथफुलनेस क्यों होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को कुछ बोलेगा और दूसरे व्यक्ति को दूसरा कुछ बोलेगा, इससे क्या होगा, राजा के शब्दों पर से विश्वास उड़ जाएगा, वचनों पर से विश्वास उड़ जाएगा राजा के। अगर राजा के वचनों पर का विश्वास उड़ जाएगा तो राजा का कार्य कैसे संपन्न होगा, राजा जो बोलेगा वो लोग करेंगे नहीं। तो सत्यवादी राजा होना चाहिए। अभी ये जो पॉइंट्स जो है ना हरेक, ये केवल राजा के लिए उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति, अगर कोई इंस्टीट्यूशन संभाल रहा है, अगर कोई एक प्रोजेक्ट संभाल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपना अपने अंदर अगर कोई स्टाफ को संभाल रहा है, या फिर कोई व्यक्ति कम से कम अपने परिवार को संभाल रहा है, मुखिया परिवार का हो, कुटुंब, उसके लिए भी ये चीज लागू होती है। अगर वो भगवान का भक्त है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि भक्त होने के बाद ही उसके अंदर अच्छे गुण आ सकते हैं। दूसरा, उसके पास सत्यवादिता होनी, सत्यता होनी चाहिए, तभी वो विश्वास संपादन कर सकता है और बाकी लोग उसके कहने के अनुसार कार्य करेंगे। और उसने वो नम्र होना चाहिए, नम्रता इसलिए कि अगर उसके साथ से कुछ गलती हो गई तो उसने नम्रता से स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो हर बार अपना ही, क्योंकि मैं राजा हूं इसलिए भाई जो बोलता हूं सही है, ऐसा नहीं कर सकता है वो, या मैं मुखिया हूं या मैं नेता हूं या मैं परिवार कुटुंब प्रमुख हूं इसलिए मैं बोलता हूं वो ठीक है, ऐसे नहीं मानना चाहिए उसको। तो ये एक है, जय श्री राधा मुरलीधर भगवान की, तो इसलिए उसने नम्र होना चाहिए, अन्यों की बात समझ लेनी चाहिए। चौथी क्वालिटी वो बताते हैं कि वो उसके पास स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए उसके पास। स्पष्टता होना बहुत अच्छा गुण है, ये कुछ समय के बाद समझ में आता है एक्चुअली।
क्योंकि क्या होता है कि हम व्यवहार में जब लोगों के साथ बर्ताव करते हैं तो कभी कभी कुछ लोग हैं, कोई लोग अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ अपेक्षा रखता है, कुछ मांगता है, तो हम सोचते हैं कि चलो अभी नया नया आया है तो इतना हट कर रहे, या कुछ मांग रहे ठीक है दे दो, या फिर कोई बात है, कोई अगर कार्य करने से उसके हाथ से अगर कोई गलती होती है तो हम बोलते ठीक है चलो माफ करो उसको, क्यों नया नया है छोड़ दो जान दो। अगर उसके पास स्पष्टता और स्पष्टवादिता अगर उसके पास नहीं होगी तो क्या होगा, अभी उसने माफ कर दिया तो उस व्यक्ति वो व्यक्ति अपने अपने गलतियों से अनभिज्ञ है, इसलिए वो अगली बार जरूर गलती करेगा, उसके पास वो नेचर उसका बना रहेगा, और इसलिए दूसरी बार जब उसकी गलती या वो कोई चीज मांग रहा है उस चीज को अगर नहीं दिया गया तो वो व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है और उसकी अपेक्षा बनी रहती है कि पहली बार जैसे इस व्यक्ति ने मुझे दिया था, मैंने मांगा था, इस बार भी उसने देना चाहिए, और इस बार अगर उसने देने से मना किया तो दोनों के रिलेशन में दरार आ जाती है। ऐसा होता है व्यवहार में, ऐसा हुआ है बहुत बार, क्योंकि वो व्यक्ति पहले के जैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले जब आप वो पूछ रहा था तब उसके पास उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि वो उसके पास से ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा रिप्लाई मिलना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं था, वो सोच रहा था कि क्या रिप्लाई आएगा, और उसी समय अगर उसको सही में करेक्ट करें, या उसी समय अपनी योग्यता या अपनी अपनी निर्बंधता अगर हम बताएं या अपनी लिमिटेशन अगर बताएं तो सामने वाला व्यक्ति है वो पहले से ही समझ जाता है कि नहीं यहां से इतना ही अपेक्षा कर सकते हैं ज्यादा नहीं। लेकिन एक बार आदत लग गई दोबारा वो बात बताने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ये होना आवश्यक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना आवश्यक है। पांचवी बात तो बताते हैं कि नॉट टू मच, नॉट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा घुल मिलाव नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बैलेंस रखना बहुत बार जमता नहीं हम लोगों को। क्या होता है इससे कि किसी के साथ अगर हमारा मिलाप हो रहा है, चर्चा हो रही है, किसी के साथ हम मिल रहे, मिक्स हो रहे, तो इतना मिक्स हो जाते हैं कि उससे परिणाम क्या होता है, अति परिचय अवज्ञा, हम अपने स्टेटस को बनाए नहीं रख पाते हैं। क्या होता है कि हम अपने आप को उनके इतने लेवल पर लाते रहे, समझो हम थोड़े वरिष्ठ है, बड़े हैं, समझो हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे, तो हम अपने आप को उनके लेवल पर इतना लेकर आते हैं कि उन्हीं के जैसे व्यवहार करना शुरू करते हैं, उन्हीं के जैसे मजाक करना शुरू कर देते हैं, और फिर उन लोगों ने अगर हमारे साथ वैसे मजाक और व्यवहार करना शुरू कर दिया फिर हमको सहन नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम ये सोचते कि अरे मैं तो मेरा बड़प्पन है कि मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ लेकिन ये मेरे साथ वैसे व्यवहार कर रहे हैं, ऑफकोर्स क्योंकि मैंने अपने आप को इतना इन्वॉल्व किया उनमें, इतना ज्यादा मैं उनमें खो गया कि मुझे कुछ दूरी बनाए रखना मैं भूल गया। तो इससे क्या होगा, राजा अगर बहुत ज्यादा घुल मिल रहा है तो, या वो व्यक्ति जिनको उनके साथ व्यवहार करना है वो अगर ज्यादा घुल मिल गया तो वो अपना रिस्पेक्ट खो देगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा मिक्सअप भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कोई जाने के लिए डर रहा है, कुछ प्रेजेंट करने के लिए डर रहा है, कुछ बात बोलने के लिए डर रहा है, तो इससे क्या होगा, कोई अगर गलती हो रही होगी, कोई अगर दुरावा निर्माण हुआ हो रहा होगा तो वो दरार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बात बोलने के लिए वो वातावरण उपलब्ध नहीं है, और इसलिए जैसे जख्म है, जख्म और वो जख्म के लिए कोई अगर प्रयोजन नहीं किया गया तो जख्म बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से वो दरार है वो बढ़ते जाएंगे क्योंकि सोल्यूशन मिल नहीं रहा है इसके लिए, तो इसलिए ये दोनों भी चीज नहीं होनी चाहिए राजा के लिए, ऐसे बता रहे थे भीष्म पितामह। और वो कहते रहे कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताता है कि वो व्यक्ति को योग्य स्थान पर, पोजीशन पर योग्य व्यक्ति को नियुक्त करते आना चाहिए, योग्य सर्वेंट को योग्य स्थान पर देना
ये उसको नियुक्त कराना चाहिए, नहीं तो केवल उसके सर्टिफिकेट देखकर उसको अगर पोजीशन में रख दिया, केवल उसकी सीनियरिटी देखकर अगर उसको वो पोजीशन में रख दिया, तो आपका काम संपन्न नहीं होगा। वो व्यक्ति की योग्यता गुण दोष को देखते हुए वो उस प्रकार की अगर उसको सेवाएं प्रदान की जाए तो आपके आपका जो हेडेक है वो बहुत कम हो जाता है। अन्यथा अनक्वालिफाइड और मोर देन इनफ या सफिशियंट से ज्यादा अगर क्वालिफाइड व्यक्ति को अगर उस स्थान पर रख दिया जाए, कम स्थान पर रख दिया जाए, तो दोनों भी परेशान करेंगे। डिसक्वालिफाइड है वो तो परेशान करेगा ही, लेकिन ज्यादा क्वालिफाइड है और कम स्टेज पर है तो वो भी परेशान करेगा, क्योंकि उसके बुद्धि के जैसा है नहीं वो, और उसको और कुछ चाहिए रहता है। तो इसलिए ये चूज करना बहुत आवश्यक है। इसलिए व्यवहार में भी, घर में भी, कौन से लोगों को, कौन से सदस्य को, कौन से सेवा में, कौन से कार्य में एंगेज करके रखना है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे स्टाफ के बीच, अगर स्टाफ के अंदर है, तो स्टाफ को भी कौन से स्टाफ को किस प्रकार से सेवा देकर उसको एंगेज करना है उसके योग्यता के अनुसार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर सातवां पॉइंट वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा, हाँ वो कहते हैं कि सभी को सीक्रेट बात नहीं बोलनी चाहिए, सभी को सीक्रेट बात नहीं बोलनी चाहिए, और खास करके राजाओं के लिए ये बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि सभी को अगर सीक्रेट बात आप बोलोगे तो आपके प्लानिंग से वो फ्लॉप हो सकता है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आपका सीक्रेट डिस्क्लोज कर सकते हैं अन्य राजाओं के पास, और बड़ा संकट आ सकता है। या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो आपके सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए संबंधित व्यक्ति के साथ ही केवल, संबंधित मतलब क्या, वो क्षेत्र संबंधित, सपोज अकाउंट की बात है तो अकाउंट के क्षेत्र संबंधित लोगों से चर्चा, खजांची से चर्चा होगी, प्रोजेक्ट के बारे में होती, इंजीनियर से चर्चा होगी, और पारिवारिक अगर कुछ है तो वैसे लोगों के साथ, या पहले जो हुआ करते थे जो सारे हिस्ट्री सूत सूतों के साथ है, सूत पुत्र उनके साथ ये चर्चा होगी, क्योंकि उनको सारी हिस्ट्री पता होती है, बैकग्राउंड पूरा पता होता था, कौन व्यक्ति है, उसको कौन से परिवार से, कौन से ये से। जैसे रामायण में एक बार प्रसंग आता है कि जहां पर सुमंत्र जो मंत्री थे इनके, दशरथ महाराज के, तो जब कैकेयी के राजमहल में जब दशरथ महाराज ऐसे लेटे हुए पड़े हुए थे, दुखी थे, तो उस समय सुमंत्र आकर ऐसा, सुमंत्र डांटने लगते कैकेयी, और दशरथ महाराज को कहते हैं कि दशरथ महाराज आप जानते नहीं इनका कुल क्या है, और उनका बैकग्राउंड पूरा बताते हैं, कैसे इनका इनके दादा के बारे में बताते हैं कि इनके दादा को, इनको पशुओं की भाषा आती थी, सीखे थे वो पशुओं की भाषा, और एक बार वो ऐसे पशु, दो पशु तो पक्षी आपस में चर्चा कर रहे थे, और उनकी चर्चा सुनकर ये हंसने लगे, तो पत्नी के साथ में थे, तो पत्नी बोले बताओ क्यों हंसे, बोले नहीं नहीं ऐसे ऐसा, नहीं नहीं बताओ बताओ मुझे क्यों हंसे, बोले नहीं 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 ऐसे कुछ, बोले नहीं आप बताओगे नहीं तो मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। तो उसने बताया कि वो दो पक्षी वो बात कर रहे थे, उनकी बातों को देख सुनकर मैं हंसा, बोले क्योंकि वो ऐसे बात कर रहे थे। तो बोले क्या बात कर रहे थे, बोले अरे तुम नहीं सुन सकती उसको, बोले आपको कैसे पता है, बोले मुझे वो लैंग्वेज पता है, मुझे आशीर्वाद दिया एक ऋषि ने, तो बोले मुझे भी बताओ, बोले वो ऋषि ने जब मुझे आशीर्वाद दिया तो उस समय उन्होंने कहा कि ये बात अगर तुम दूसरे किसी को बताओगे तो तुम मर जाओगे। तो पत्नी क्या बोलती है, तो चलेगा तुम मर जाओगे चलेगा, लेकिन मुझे बताओ। तो उस समय उसने देखा, उनके पति ने, वो राजा ने देखा कि ये कैसी स्त्री है, अपने पति के प्राण लेने में तुली, और क्या, और ये उसकी जिद है क्या कि बताओ मुझे क्या हुआ, एक जिज्ञासा के कारण, तो उसने उसको त्याग कर दिया। तो इनडायरेक्टली वो बता रहे थे सुमंत्र दशरथ महाराज को कि कैसे उन्होंने किया, इनके बैकग्राउंड ही वैसा है, पति की चिंता नहीं है उनको, ध्यान दो, ऐसा कह रहे थे। कहने का अर्थ है कि उनको पूरा हिस्ट्री पता होता था कुछ लोगों को, तो ऐसे लोगों को ऐसे स्थान पर रखना है, ये बता दे योग्यता के अनुसार, तो ये महत्वपूर्ण तो पॉइंट बताते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि
राजा मतलब एक व्यक्ति राजा विशेष अधिकार और विशेष पोजीशन और बाकी साधारण लोग प्रजा दोनों में क्या अंतर है बताओ। राजा को एक सर होता है, राजा को दो आंखें होते हैं, दो कान होते हैं, दो हाथ पैर होते हैं, साधारण व्यक्ति को नहीं होते हैं। तो इतना भेद क्यों एक व्यक्ति में और बाकी आम व्यक्ति में इतना भेद क्यों, भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो ये पहले ही प्रश्न पूछ के रखा था युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि उनको पता है कलयुग में लोग आएंगे ऐसे प्रश्न पूछने वाले, भेदभाव नहीं करना चाहिए ये सब, इसके लोग इसके नीचे आकर भेदभाव इस या समानता के छत्र के नीचे आकर ये सब कुछ उठपटांग कहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों। विष्णु पितामह ने कहा देखो एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विष्णु पितामह एग्री हो गए उससे, आंसर देने की टेक्निक देखो कैसे, क्योंकि वो पूछने वाला बेचारा अंदर से एकदम ये है, तो उसको कहा कि नहीं उसको सेटिस्फाइड एक्चुअली मुझे वैसे नहीं होना चाहिए, वैसे होता नहीं था। कब? सत्ययुग। तो विष्णु पितामह सत्ययुग की बात बता रहे थे कि सत्ययुग में ऐसा नहीं होता था। सत्ययुग में हर कोई व्यक्ति समान दृष्टिकोण से रहता था, समान दृष्टिकोण से देखता था, समान उसके पास योग्यताएं हुआ करती थी, क्योंकि हर व्यक्ति क्वालिफाइड रहता था। यहां तक कि महाभारत में ऐसा वर्णन है कि सत्ययुग में लोगों को जीवन यापन करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अभी काम क्यों करना पड़ता है? खाली उधर निर्वाह के लिए काम करना पड़ता है, पैसा मिलेगा, काम खाने खाने को मिलेगा। तो उस समय खाने पीने की कोई कमी थी नहीं, ऐसे ही थोड़ा खेत खलियान में चला गया तो उधर बहुत सारा अनाज भरा भरा खेत भरे भरे है, उधर कुछ उठा के लेकर आओ, पका दिया, खा लिया, कल की चिंता नहीं। कल की चिंता क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारा पड़ा हुआ है। बाहर ऐसे निकलोगे तो ये पेड़ के नीचे बहुत सारे फल पड़े हुए, पके हुए फल पड़े हुए मिलते हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति हर व्यक्ति बिंदास्त होकर और सब व्यक्ति भगवान के भक्त थे, हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त था, सत्व गुण में हर कोई व्यक्ति। इसलिए वो समय विष्णु पितामह करे उस समय राजाओं की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डिग्रेडेशन होते गया ना युगों का, तो व्यक्ति के अंदर जैसे सत्व गुण जैसे ये सत्ययुग जैसे जैसे पिकते गया, तो त्रेता युग का जैसे जैसे प्रारंभ होने लगा या उसके सत्ययुग जैसे समाप्त होने लगा, वो सत्वगुण का मिक्सअप रजोगुण में होने लगा, जिसके कारण व्यक्ति काम और क्रोध से प्रभावित होने लगा। ये वृत्ति जब आ गई काम और क्रोध की, तो व्यक्ति स्वार्थी बनने लगा। जैसे व्यक्ति स्वार्थी बनने लगा, एक दूसरे में भेद करने लगे सुख उपभोग की वस्तु के लिए, और जिसके कारण आपस में टकराव नोकझोंक होना शुरू हुआ, और इसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगा, और फिर नीति मंत्र भ्रष्ट नष्ट हो गई। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने नियम बना के दिया, और उस नियम को कहते हैं विष्णु पितामह कह रहे उसको कहते हैं दंड नीति। फिर दंड नीति उन्होंने की, और क्योंकि इस दंड नीति से लोगों को नियंत्रित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। और विष्णु पितामह यहां तक बोल रहे हैं कि बाकी जो वर्ण है तीन, ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, ये तीनों भी क्षत्र वर्ण के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर क्षत्रिय वर्ण अगर अच्छा नहीं है तो ना ब्राह्मणों की रक्षा होगी, ना ब्राह्मण अपने हिसाब से अच्छे से कार्य करेंगे, वैश्य अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, व्यापार करते लूटेंगे लोगों को, और शूद्र तो वैसे ही कम बुद्धि के रहते हैं, मारपीट में लगे रहेंगे। इसलिए क्षत्रिय बहुत ही पावरफुल होने चाहिए, केवल शक्ति से नहीं, शरीर की शक्ति से नहीं, लेकिन उनके मानसिक शक्ति से और संयम की शक्ति से, के महत्वपूर्ण है। और फिर वो कहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप और थोड़ा विस्तार से बताएंगे।
भीष्म पितामह उनको स्टोरी बताते हैं कि पहले उन्होंने कहा कि देखो सत्ययुग में ही स्टोरी आती है, भागवतम में स्टोरी आती है, बोले भागवतम में ऐसे वर्णन किया गया है कि जहां पर अंग ने विवाह किया मृत्यु कन्या, जिनका नाम था संगीता, मृत्यु की पुत्र, उनसे विवाह किया और उनके विवाह से, और अंग ने तपस्या की थी क्योंकि उनको अच्छा एक पुत्र मांगा था उन्होंने वरदान के रूप में, तो उनको मिलना था, तो उन्होंने, अंग महाराज बड़े अच्छे, लेकिन उनको पुत्र ऐसे हुआ क्योंकि युगों का डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए उनको ऐसा पुत्र हुआ कि जो पुत्र कुपुत्र था, उनका नाम था वेन, और उसने इतना तांडव मचाया, इतना लोगों को परेशान किया, मार पीट और झगड़े और अराजकता फैलाई कि जिसके कारण यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग जो थे वो परेशान हो गए, और इसलिए ब्राह्मणों ने आपस में मीटिंग लिया, उसको वार्निंग दी, नहीं सुधरा वेन, फिर ब्राह्मणों ने अपने मंत्र शक्ति से उस वेन का वध कर दिया, केवल मंत्र उच्चारण से हंकार से ही वेन राजा मर गया, शक्ति है मंत्र, फिर अभी उनका मंथन किया, उसके शरीर का मंथन किया, तो उससे पहले निषाद निकले, उसके बाद बाहों का मंथन किया, राइट, तो उससे एक सुंदर सुशील एक व्यक्ति बाहर निकला, उनका नाम, उनको नाम मिला, उनको नाम दिया पृथु महाराज, और वो पृथु वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने दंड नीति को अपनाया, तो पृथु महाराज अभी पृथु महाराज को ये राज्य अच्छे से करना था क्योंकि सारा बिगड़ गया था वेन के कारण, तो ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को कहा कि तुम दंड नीति का इस्तेमाल करो, क्षत्र धर्म का पालन करते हुए दंड नीति का इस्तेमाल करो और जिसके द्वारा पृथ्वी को नियंत्रित करो अच्छे से और अच्छे से राज्य करो, सबको सुखी और सब धर्म का राज्य स्थापन करो, और पृथु महाराज ने यहाँ तक कि पृथ्वी का दोहन किया और सारी छुपी हुई सारी संपदा है उसको बाहर निकाल और दंड नीति का इस्तेमाल किया, तो ये बता रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि इसके पहले वो कह रहे थे कि ऐसे ही दंड नीति जब नहीं थी तो समाज में अराजकता फैल गई थी, तो इसलिए जो शक्तिशाली लोग थे वो ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे, जो कम कुवत थे वो पहले से वो उसके बाद बाद ज्यादा ज्यादा वीक होते गए, और इससे क्या होता था, इससे शक्तिशाली है वो दूसरों के ऊपर राज्य करने लगे और दूसरों को परेशान करने लगे, इसमें इतना समाज बिगड़ गया कि चोर भी सुखी नहीं था, चोर भी हमेशा भयभीत रहता था, क्यों, कि कोई बड़ा चोर आकर मुझे ना मार ले, एक गैंगस्टर था वो भी डरते हुए डर रहे थे क्योंकि उससे बड़ी गैंग आकर उसको ना कुचल दे, तो ये हमेशा क्यों होता था ऐसा, क्योंकि इस संसार में बनाई ऐसा है कि एक से बढ़कर दूसरा सवा शेर, एक शेर से दूसरा सवा शेर हमेशा मिलेगा, तो इसलिए हर एक शेर डरता था, डरा हुआ था, इसलिए कोई व्यक्ति सुखी नहीं था, तो इसलिए उसमें क्या, उन लोगों ने आपस में कुछ जवान उन्होंने एक गुट तैयार किया, और उस गुट में क्या किया उन्होंने कि हम आपस में एक कानून तैयार करेंगे, नियम बनाएंगे, और जो भी ऐसा गलत कर रहा है उसको पनिश करेंगे, उसको सुधारेंगे, ऐसा उन्होंने प्लानिंग किया, लेकिन वो प्लानिंग उनका सक्सेस हो नहीं पाया, और इसलिए वो प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को विनती करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने मनु के तरफ इशारा किया और मनु को कहा कि आप पृथ्वी का चार्ज ले लीजिए, तो मनु तैयार नहीं थे, बोले कौन जाएगा ये इधर सब बकवास लोग हैं, और तो और उनको पर अगर राज्य करूं मैं, रूल करूं उनको, तो उसकी रिएक्शन तो मुझे भी मिलेगी, क्योंकि प्रजा जो गलत कार्य करते हैं मनुसंहिता के अनुसार उसका 1/6 तो पार्ट सिंह का पाप का पार्ट भाग वो राजा को मिल जाता है,
और अगर समझो तो ये व्यक्ति ने पाप किया उसका 1/6 पार जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो पापी नहीं है सद गृहस्थ सद व्यक्ति उसके घर में अगर चोर आकर चोरी करके लेकर जाता है तो राजा का कर्तव्य है कि वो चोरी ना हो उसको रोके, और राजा अपने कर्तव्य को पूरा न कर पा रहा है अगर चोर को रोक नहीं पा रहा है तो राजा को वो जो वो पाप हो गया ना, वो चोर ने पाप किया, चोरी किया वो चोर ने पाप किया, तो वो चोर क्योंकि ये रक्षा नहीं कर पा रहा है इसलिए 1/4 उसका पार्ट है पाप का वो राजा को चला जाता है। तो मनु जी बोल रहे कि ये ऐसे लोग हैं इधर कौन करेगा, तो सारे लोग जो जमा हुए उनको रिक्वेस्ट करे तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में हम आपको सारा सुजलाम देंगे, सुफलाम देंगे, धन देंगे, धान्य देंगे, ऐश्वर्य देंगे, आपको सुंदर सुंदर स्त्रियां विवाह के लिए देंगे, हर प्रकार से उनको कहने लगे कि आप दे, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है राजा को टैक्स देना। तो विष्णु पितामह कह रहे कि पहले के समय पर जो, हाँ तो फिर मनुदेव तैयार हो गए कि चलो ठीक है मैं ये चार देने का तैयार हूँ, और फिर मनु आकर उन्होंने दंड नीति का इस्तेमाल किया और तब से इस पृथ्वी पर अच्छे से राज्य चलने लगा। गलत कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, बुरा कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो अगर एक उनके मन में कोई फियर है, भय है, तो वो भय उनको गलत कार्य से उनको रोकता है, और ऐसा भय होना चाहिए, आवश्यक है ऐसा भय जो अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल हो, तो ये राज्य अच्छे से चले। और फिर ऐसा राजा प्रजा से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि प्रजा को सुरक्षा कैसे देगा वो, नहीं तो प्रजा को फैसिलिटी कैसे देगा, अच्छे से रास्ते कैसे बना पाएगा वो, कभी अगर अकाल आ गया तो उनको पानी कहाँ से दे पाएगा, अगर पहले डैम की व्यवस्था नहीं की हो, डैम बनने के लिए पैसा तो चाहिए, तो इसलिए जो व्यक्ति का इनकम है वो इनकम के, हर एक व्यक्ति को अपने इनकम के ऊपर 1/6 ऑफ पार्ट, एक का छठा भाग वो राजा टैक्स कलेक्ट कर सकता है। छठा भाग मतलब कितना हुआ, सोलह भाग। अभी जीएसटी कितना है, 18%, अलग है, चीज पर अलग अलग है, 9 9 9 + 9 18 है, कभी तो 12 12 छः छः है, 12 है, तो डिपेंड, तो कुल मिलाकर जो भी है, लेकिन टैक्स ये आवश्यक है क्योंकि जिससे राजा को मदद होती है और राज्य कराने के लिए, तो इस प्रकार से बोल रहे। तो तब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अच्छा, तो युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले ये डिनायल में थे कि एक क्यों चाहिए, कुछ नहीं भेद क्यों चाहिए, और दूसरा लोगों पे से जबरदस्ती शासन करने की क्या आवश्यकता है, सब पीस 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 होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ओम शांति शांति। विष्णु पितामह कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ओम शांति शांति होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ओम शांति शांति, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहेंगे, इसलिए आवश्यक है कि दंड नीति का इस्तेमाल करें, और जब दंड नीति इस्तेमाल करने के बाद आएगी तो राजा होना आवश्यक है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज आपको राज्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, अभी युधिष्ठिर महाराज इसके लिए कन्व्यूज हो गए, कम से कम ये तो बात के लिए कन्व्यूज हो गए कि चलो ठीक है राजा मैं बनना चाहिए, राजा बनना है मुझे। अभी आगे के प्रश्न पूछेंगे कि उस राजा के और कर्तव्य, और केवल राजधर्म नहीं लेकिन अन्य धर्मों के बारे में पूछेंगे, जिसमें स्त्री धर्म आता है, जिसमें राजधर्म आता है, जिसमें वैश्य धर्म आता है, हर एक प्रकार से कर्तव्य के बारे में बताया गया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाले हमारे 4 दिन बचे हुए, जिसमें हम इसको, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा समुद्र के जैसा है ये ज्ञान, विष्णु पितामह जो दिया है बहुत विशाल ज्ञान है, तो जितना हमारे पास समय के अनुसार और अपने हमारी योग्यता के अनुसार हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सके हम उसको चर्चा करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाभारत महापुराण की जय, विष्णु पिता मह की जय, शील प्रभुपाद की जय, रिताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है किसी का? तामा का जो कष्ट था, कष्ट हो रहा था जो उससे परे हो, जैसे बाद में भगवान उनसे कुछ बोले कि युधिष्ठिर महाराज को सजेशन दो, उनके प्रश्न का समझाऊं उनको, तो उनको जो कष्ट हो रहा था तो भगवान के ब्लेसिंग से उनको कष्ट खत्म हो गया। जैसे बहुत जगह, जैसे महाराज का भी, भक्ति के स्वामी महाराज का भी, वो कष्ट तो हो रहा था, बस तभी भी वो कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। तो जैसे बाई प्रैक्टिस बोल सकते हैं कि बाई ब्लेसिंग कृष्णा जो हमारे अंदर कष्ट आ रहा है उसको, जैसे जैसे कोई होता है ना, दुख को भी उसको सुख के रूप में लेते हैं, तो बाय प्रैक्टिस या बाय ब्लेसिंग, दोनों। प्रश्न ऐसा है कि अंत में बहुत, अंतिम समय में बहुत कष्ट होते हैं, तो हम प्रैक्टिस से उसको उससे ऊपर उठ सकते हैं या ब्लेसिंग से, आशीर्वाद, दोनों से? हमको दोनों की आवश्यकता है। हम अपने प्रैक्टिस के बलबूते पर हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे, देरे हरी खटल्यावरी नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास जब करेंगे और प्रयास अगर भगवान देखेंगे, वैष्णव देखेंगे, तो आशीर्वाद देंगे, हाँ प्रयास कर रहे, तो वो भी आशीर्वाद देंगे। तो दोनों चीज हमको आवश्यक है। भक्तदेव महाराज, ये वो उनका एक फेमस एक ये भी कोट्स भी है कि हमें कष्ट है वो अनिवार्य है, वो आएंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसका दर्द है वो महसूस करना या नहीं करना हमारे ऊपर डिपेंड करता, वो ऑप्शनल है। अगर हम उस दर्द में ही ज़्यादा रचे पचे हैं तो वो ज़्यादा महसूस होगा। मतलब अगर हम कृष्ण चेतना में नहीं है, उच्च चेतना में नहीं है, तो निचली चेतना हमको तकलीफ देगी। तो एक तो शारीरिक वेदना तो है ही, लेकिन मन अगर कहीं पर एब्जॉर्ब है ना, तो शारीरिक चेतना उतनी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर शारीरिक कष्ट है और अगर मन भी अगर उस शरीर के कष्ट की तरफ जा रहा है, तो बहुत ज्यादा वेदना होती है व्यक्ति को, और मन में ग्लानी भी बहुत होती है, तो मन का ताप वो ज्यादा असहनीय होता है व्यक्ति। तो इसलिए मन अगर कृष्ण में लगा है तो शरीर की पीड़ा है वो भले ही हो रही है, लेकिन वो पीड़ा महसूस नहीं होती। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे थे। और यहाँ पर विष्णु पितामह की भगवान की सेवा करने की इच्छा देखकर कि भगवान ने कहा कि आप कहो, तो वो ना नहीं बोले, बोले ठीक है भगवान, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। दो प्रकार के होता है ना, जनरली हमको कोई अगर सेवा देते हैं, मिलती है, तो पहले ही अगर हमारा कंक्लूजन रहेगा और हम कहेंगे कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे मुझसे नहीं होगा या मेरे को नहीं जमेगा, पहले ही अगर हमने डिसीजन दे दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तो कोई व्यक्ति उसको बता नहीं पाएगा या भगवान भी उसको जाकर उससे करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसने पहले ही अपना डिसीजन दे दिया कि मैं नहीं कर रहा हूं। वो क्या देखकर उसने कहा कि वो अपनी योग्यता को जज कर उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन सेवा देने के बाद अगर वो पूछता है कि प्रभु आपने सेवा दी है, ये सेवा स्वीकारना अच्छा है, सेवा करना भगवान का भी चाहता हूं करना, लेकिन ये करने के लिए ये तकलीफ है, ये अयोग्यता है मुझ में, तो मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। अगर वो अपनी समस्याओं को बताता है तो समस्या का हल निकल सकता है। जैसे विष्णु पितामह ने कहा कि भगवान आपने कहा है मुझे बताने के, तो लेकिन मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो मैं कैसे बताऊंगा, तो भगवान ने तुरंत उनके कष्ट को दूर कर दिया। बताने की इच्छा है ना, ओके, कष्ट हो रहा है ये प्रॉब्लम है ना, कष्ट कष्ट में दूर कर दिया। तो वैसे हमारे अगर इच्छा है करने की और समस्या है कुछ, भगवान उस समस्या को दूर कर देंगे अगर हमारी इच्छा तीव्र है तो, और उस इच्छा से ही आधा कष्ट हमारा चला जाता है। तो दोनों, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि blessings by blessings or by practice, both. Without practice, we can't achieve blessings. And only practice, we are unable to do so.
हम नहीं कर सकते हैं उसको, केवल हमारे बलबूते पर, तो हमको दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, हरे कृष्णा।